इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु के शयन को देखकर निषाद जी भगवान के मित्र हैं दुखी हो गए। लक्ष्मण भैया परम शांत आनंद में हैं, क्यों सरकार विश्राम ले रहे। लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को समझाया, मित्र मेरे प्रभु जीव नहीं है, परमात्मा है, भगवान है, आप प्रेम करो। कहा पद में सखा परम परमार्थ एहू मन क्रम बचन राम पद भगत भूमि भो सुर सुर भी सुर हित लागे करत चरित धरि सुनत मिटहि जग करत चरित धरि सुनत। भगवान मनुज चरित्र कर रहे हैं। इस चरित्र का श्रवण करने से जगजाल माने जंजाल मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। निषाद जी समझ गए। भगवान प्रातःकाल सुमंत्र जी को संध्या वंदनोपरांत विदा किए, अपने गंगा जी के तट पर आए। भगवान का बड़ा लाडला भक्त है केवट, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे। भगवान ने आकर नाव मांगा, केवट ने मना कर दिया। आपने बहुत बार सुना होगा, ये प्रसंग बहुत मीठा है, अद्भुत है। नौ दिन के विस्तार जैसा प्रसंग है, हम आपको समास पद्धति में सुनाते हैं। केवट जी से नाव किसने मांगी, या तो प्रभु ने मांगी, भगवान को मना कर दिया। क्या कहा, कही तुम्हारा मरमो आपका मरम जानता हूं, सोना समझे कसे और मनई समझे बसे। मानस के अंतर्गत दो तीन प्रसंग ऐसे हैं, मास दिवस कर दिवस भाव प्रभु कर मरम न जाने कोई। केवट तो कहते हैं कहिए तुम्हारा मांगी वाल्मीकि बाबा कहते हैं जग पेखन तुम देखनी विधि हरि शंभो नचा देव न जानहि मरम और तुम ही को
विष्णु शिव जी मरम न जाने, लेकिन केवट जी बोले कह जी तुम्हारे मांगी जानता हूं। भगवान का मरम भगत जानता है, भरद्वाज जी जानता है, जाना मरम नहात मगन हो ही तुमरे भरद्वाज जी जानते हैं। तुलना तो देखिए, भरद्वाज जी जानते हैं और भगत केवट बोला कहिए तुम्हारे मरम लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहते हैं। अरण्यकांड का प्रसंग है। भगवान ने जब मां को अग्नि में वास कराया तब बाबा लिखते हैं लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना जो पछु चरित्र छाव चरित्र किया। लक्ष्मण जी भी जान नहीं पाए सफा में रहते हो न जाने लक्ष्मण जी केवट बोला कहिए तुम्हारे मरम में तो केवट बोले कहे तुम्हार मरम में जाना उमा मरम यह काहु न जाना। इतना डरना क्यों? देखो भैया, आपका कोई मरम जान जाए तो उससे डर लगना स्वाभाविक है। कहीं ना दे आपने वो कथा सुनी होगी, एक राजा के सिर में सिंह जम गया। नृत्य करने वाली एक नर्तकना आई, उसने कुछ ऐसा बोला, कहा, गाया, क्या है मरम मैं जानत हूँ,
का कहानी में हम नहीं, हमको पता भी नहीं है, सुना है मैंने। तो वो नृत्य करने वाली स्त्री कुछ गा रही है, राजा को लगे वो तो मेरे सिंह के बारे में जान रही है। जैसा मन में हो ना वैसे बाहर से आवाज आने लगती। गा रही थी, कह रही थी, मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ, जानत हूँ। अरे भाई क्या जानती हो? तब तक मजीरा बोला, किन्न कहा, किन्न कहा, किन्न कहा। तब तक तला बोला, बम्बई हजाम कहा, बम्बई हजाम कहा। अब राजा के सिर पे जामियो सिंह, किन्न कहा, किन्न कहा। राजा को लग रहा सब मेरे बारे में ही बज रहे हैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है। कह दो, कह दो, कह दो। अरे सब सन्न हो गए। अर्थ क्या है? हमारे अंदर जो चलता है वही हमको बाहर दर्शन होता है। जिनका भाई भाई का आपस में प्रेम है उनको लगता है धरती पर भाई भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं, और जिनके घर में स्वयं बवंडर चल रहा है, भूकंप चल रहा है, उनको सब जगह भूकंप का दर्शन होता है। हमारे अंदर जो उत्पात होता है वही हमको बाहर दर्शन देता है। उत्पात कहीं नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग सम युग आन नहीं। किसके लिए? जो नर कर विश्वास आन नहीं। जो विश्वास पर रहे हो, केवट विश्वास पर है, क्या भगवान आ गए। इसलिए कहिए तुम्हार मरमो में इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।